साल 1966 में एक डॉक्टर ने खतने के नाम पर एक लड़के के मेन पार्ट को इतना दुख पहुंचाया कि उसके मेन पार्ट को पूरा हटाना पड़ा। बाद में सेक्सुअल आइडेंटिटी के एक्सपर्ट्स जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मनी ने लड़के के लिंग परिवर्तन का सुझाव दिया और ब्रूस को ब्रेंडा बनना पड़ा। ब्रूस का जेंडर चेंज होने के बाद डॉक्टर मनी लगातार लड़के के माता पिता को विश्वास दिलाते रहे कि उसने जो किया वो एकदम ठीक था। इसके साथ ही उन्होंने लिंग परिवर्तन की सफलता को अखबारों में भी छपवाया और जब ब्रेंडा को मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता तो मनी उसे खुद को लड़की स्वीकार करने के लिए खूब धमकाता। आखिर में ब्रेंडा ने कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाई और शादी कर ली, लेकिन उसके बचपन की परेशानी ने उसे ऐसा सदमा दिया कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं बिता सकी। उसका तलाक हो गया। दो साल बाद 2002 में उसके भाई की मौत के बाद ब्रूस डेविड रीमर यानी कि ब्रेंडा ने आत्महत्या कर ली। इतना सब होने के बाद भी डॉक्टर मनी पर कभी मुकदमा नहीं चला और साल 2006 में अपनी मौत तक वो जॉन्स हॉपकिंस में अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रहे। लंबे समय बाद लौटने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अब लगातार वीडियो आती रहेंगी, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे।